हेलो फ्रेंड्स, मोमीज आर्ट में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, ये है वो इमेज जिसका पोर्ट्रेट मैं आज ड्रॉ करने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने A3 साइज़ की कार्ट्रेज शीट ली है और ये मेरे पास दो कलर में थी, एक वाइट है और एक थोड़ी येलोइश है। सो मैंने येलोइश वाली ली है और यहाँ पर मैंने ड्रा इजी ऐप से ग्रिड मेथड यूज़ करके आउटलाइन ड्रा कर ली है और यहाँ पर मैंने आधे से ज़्यादा हेयर ड्रा कर लिए थे। और मैंने कैसे ड्रा करे वो मैं बताती हूँ। पहले बेस लेयर के लिए मैंने कैमलिन सॉफ्ट पेंसिल से हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाए। उसके बाद मैंने कैमल कंप्रेस्ड चारकोल स्टिक से हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाए एंड देन इसे ब्रश के हेल्प से ब्लेंड कर लिया। सो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने एक मोटा वाला मेकअप ब्रश लिया है जो चीक पर यूज़ होता है और स्ट्रीम डार्क एरिया को ऑब्जर्व करके एक बार फिर से हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाए। अब हम इसे टॉम्बो जीरो इरेजर के हेल्प से हाईलाइट दे देंगे। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने हेयर ड्रॉ किए, देखिए कितने सुंदर हेयर ड्रॉ हुए हैं। अब हम आउटलाइन की एज भी पेंसिल से फोरहेड पर बेस लेयर लगाएंगे और कॉटन की हेल्प से ब्लेंड कर देंगे। अब आईब्रो को कैमलिन सॉफ्ट चारकोल पेंसिल की हेल्प से ड्रा कर लेंगे। आईब्रो को हेयर के डायरेक्शन में स्ट्रोक लगाकर छोटे छोटे मेकअप ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे। ये प्रोसेस हम 2 से 3 बार करेंगे। अब मैंने आई ड्रा करने के लिए कैमलिन सॉफ्ट पेंसिल यूज़ की है। सो फ्रेंड्स, इस तरह मैंने आई ड्रा कर ली है और मैं हेयर पर भी थोड़े से हाईलाइट दे रही हूँ। अब हम फेस पर भी HB पेंसिल के हेल्प से बेस लेयर दे देंगे, कॉटन के हेल्प से ब्लेंड कर देंगे। सो फ्रेंड, इसी प्रकार मैं दूसरे आई को भी ड्रॉ कर लूँगी। फ्रेंड्स, जहाँ हाईलाइट की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं टॉम्बो जीरो इरेज़र और नीडेड इरेज़र से हाईलाइट दे दूँगी। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने आई ड्रॉ कर ली। आई के निचले पोर्शन में मैंने HB पेंसिल का यूज़ किया है, HB एंड 2B पेंसिल का, जो कि आउटलाइन की है। नोज़ पर केयरफुली शेडिंग करेंगे क्योंकि थोड़ा सा भी ज़्यादा डार्क या लाइट होने पर नोज़ एकदम से चेंज लगती है और पोर्ट्रेट बिगड़ सकता है। इससे बचने के लिए नोज़ पर हम लेयर बाय लेयर काम करेंगे। अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद ही 2B या उससे अधिक ग्रेड की पेंसिल यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने कंप्रेस्ड चारकोल स्टिक से नोस्ट्रिल वाले पोर्शन को, सो फ्रेंड्स आप नोस्ट्रिल को 6B, 8B या 10B की हेल्प से डार्क कर सकते हैं। ये आपकी रेफरेंस इमेज पर डिपेंड करता है कि आप कितना डार्क उसमें दिखाई दे रहा है। अगर ज़्यादा डार्क है तो आप चारकोल पेंसिल यूज़ करें। सो फ्रेंड्स, यहाँ लिप्स की बारी आ गई है तो लिप्स के लिए मैंने लेयर बाय लेयर काम किया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 4B पेंसिल पहले यूज़ करी है, देन मैंने 6B पेंसिल यूज़ करी है और टॉम्बो जीरो इरेजर की हेल्प से एंड नीडेड इरेजर की हेल्प से हाईलाइट दे दिया। सो फ्रेंड्स, अब मैंने बचे हुए बालों को भी स्टिक की मदद से, चारकोल स्टिक की मदद से ड्रॉ कर दिए हैं और टॉम्बो जीरो इरेजर की हेल्प से उसमें हाईलाइट दे दिए हैं, आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जहाँ पर ज़्यादा डार्क लग रहा है वहाँ पर मैं एक लेयर और चढ़ाती जा रही हूँ। अब फ्रेंड्स, ऑर्नामेंट्स की बारी आती है तो रेफरेंस इमेज को अच्छे से ऑब्जर्व करके मैंने पेंसिल को अच्छे से इरेज करके ऑर्नामेंट्स को ड्रा कर लिया है। सो फ्रेंड्स, आप ऑर्नामेंट्स में थोड़ा सा चेंजेस अपने अनुसार कर सकते हैं। अगर कोई ठीक नहीं लग रहा तो आप उसे अपने हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने गले में जो पहनते हैं वो हार ड्रा कर लिया है और यहाँ पर जो क्लॉथ है, जो ब्लाउज़ है, उसके लिए मैंने चारकोल डस्ट का उपयोग किया है और रेंडमली ये कुछ स्ट्रोक लगा के
और उसे ब्लेंड कर दिया है, तो इससे थोड़ा सा क्लॉथ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चारकोल डस्ट की हेल्प से जो क्लॉथ है उसको डार्क कर दिया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयरिंग दिखाई दे रहा है, जिसे मैंने अभी इसमें 3D इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं नज़र आ रहा है। सो इसमें मैं आउटलाइन डार्क पेंसिल से बना के मैंने इसको ब्लेंड कर दिया चारकोल पेंसिल की हेल्प से, और अब इसमें हाईलाइट देने के लिए मैंने वाइट जेल पेन या वाइटनर, आप वाइटनर का भी यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने वाइट जेल पेन यूज़ किया है, और यहाँ पर मैं ऑर्नामेंट्स को हाईलाइट दे रही हूँ जहाँ जहाँ पर भी आवश्यकता है, आप भी इसी तरह कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने ये पोर्ट्रेट ड्रॉ किया। आपको ये पोर्ट्रेट कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आप भी इसी तरह से पोर्ट्रेट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।